वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के दौरान जिला अस्पताल में स्थित ब्लड बैंक द्वारा जरूरतमंदों को ब्लड मुहैया कराया जाता रहा है। सरकारी अस्पतालों में ही नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी ब्लड बैंक से जरूरतमंदों को ब्लड दिया गया। वहीं थैलेसीमिया से ग्रसित मरीजों को भी लॉकडाउन के दौरान आवश्यकता अनुसार ब्लड उपलब्ध कराया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय परिसर में स्थित ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर एस के यादव ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान ब्लड बैंक में ब्लड की जितनी भी यूनिट रही उनको जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया गया। ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर एस के यादव ने बताया कि 4 मई से 8 जून तक 7 बार रक्तदान शिविर लगाया गया। इस दौरान 70 यूनिट रक्त कलेक्ट किया गया। इस समय ब्लड बैंक में प्रचुर मात्रा में ब्लड उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि थैलेसीमिया के जो मरीज लखनऊ जाते थे उनको जिला अस्पताल ब्लड बैंक द्वारा ब्लड उपलब्ध कराया गया, साथ ही आसपास के जिलों के मरीजों को भी ब्लड उपलब्ध कराया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला ब्लड बैंक प्रभारी एस के यादव ने बताया। एक्चुअली हमारे रक्त कोष में 8 मई से लेकर के 4 जून तक 7 स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा चुका है, रक्त कोष के बाहर और रक्त कोष के अंदर, जिसमें लगभग 77 यूनिट रक्त प्राप्त हो चुका है जो रक्त कोष के बाहर शिविर लगे हैं। और हमारे रक्तकोष में भी स्वैच्छिक रूप से आ करके रक्तदाता रक्तदान करते रहते हैं। इस समय हमारे पास प्रचुर मात्रा में रक्त है। किसी भी मरीज को, चाहे वो सरकारी चिकित्सालय में हो या निजी चिकित्सालय में भर्ती हो, आ करके ब्लड ले जा सकता है। इसमें सर लॉकडाउन के दौरान ब्लड की क्या डिमांड हुई होगी, उस समय कोई किसी प्रकार की दिक्कतें हुई ब्लड डिमांड सप्लाई पूरा करने में? नहीं, हमारे यहाँ इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। और लॉकडाउन के दौरान भी हम लोग छोटे छोटे शिविर 10 यूनिट 5 यूनिट अनुरोध करके जो संस्थाएं हैं उनसे लगाते रहे, तो कोई विशेष परेशानी नहीं हुई रक्त मरीजों के लिए, मरीजों को रक्त दिया जाता रहा। सर बड़ी संख्या में थैलेसीमिया के मरीज जो लखनऊ जाते थे, लेकिन इस लॉकडाउन में गोरखपुर ब्लड बैंक ने काफ़ी उनका सहयोग किया, किस तरीके से था क्या? हाँ, ऐसा है कि जो हमारे मंडल गोरखपुर मंडल और गोरखपुर मंडल के अलावा भी जो भी थैलेसीमिया के मरीज थे, जो अब बनारस या SGPGI या लखनऊ नहीं जा पा रहे थे, तो हमारे चिकित्सालय में आते थे, भर्ती होते थे और उनको रक्त मुहैया कराया जाता था। उनको किसी तरह की दिक्कतें का परेशानी दिक्कतें नहीं होती थी, तुरंत ही उनको रक्त मुहैया करा देते थे। पर जो रक्त देना चाहते हैं उनसे क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि रक्त दें, स्वैच्छिक रूप से आकर के रक्तदान करें, उनके एक रक्त से 4 जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। रक्तदान करने से दूसरे का तो फायदा होता ही होता है और अपना भी फायदा होता है। हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर नियमित रहता है, रेगुलर रहता है, ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल रहता है। तो रक्तदान करें, स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करके दूसरों की ज़िंदगी बचाएं। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है।